ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, हमारा चैप्टर 6 में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के हवाले से जो है यूएचएस का सिलेबस मैंने शो किया है जो आप लोगों ने करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपने कुछ भी नहीं करना। ये ऑलमोस्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो जो पीटीबी की बुक है उसका चैप्टर जो 14 है ना, ये आपका कंप्लीट बन जाता है, ठीक है। लास्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो ये तकरीबन आपने सारा ही करना है, बस ये याद रखना है, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट सारा ही करना है, इसमें कोई एक दो इक्का दुक्का छोटे टॉपिक होंगे, मे बी वो आपको ना करने पड़े, एनिमल्स से रिलेटेड जो है, ठीक है। ये उसमें वो ट्रांसपोर्ट एनिमल्स आ जाता है, या प्लांट्स के कुछ एक छोटे मोटे जो है वो पोर्शन है, वो बस आपने नहीं करने है। बाकी सारा जो है वो आपने उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से जो है वो याद रखना है, ठीक हो गया। चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कंटेंट हमने कवर करना है, कंटेंट में हमारे पास एक तो आपका है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, एंड मिनरल्स। ये कैसे होता है? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट पाथवे, कोहेजन, ट्रांसपायरेशन, यानी ये ट्रांसपायरेशन आ जाएगी यहाँ से आगे सारी, जिसमें कोहेजन, टेंशन, ठीक है, एडहेजन वगैरह आ जाता है। उसके बाद ट्रांसपायरेशन जो है वो फैक्टर्स हैं इसके, वो हमने देखने हैं। फिर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, वो हमने देखनी है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास ये एडहेजन, इसमें एक कौन टॉपिक आ जाता है एसेंट ऑफ सैप का, ठीक है, वो हमने कवर करना है, ठीक हो गया। और इसको बाय द वे टैक्ट थ्योरी भी कह देते हैं, ठीक है, ये इस टॉपिक को। तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपायरेशन पुल, ए स्टैंड्स फॉर एडहेजन, सी स्टैंड फॉर कोहेजन, टी स्टैंड फॉर टेंशन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये याद रखना है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन है अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी। ये जो फूड की, यानी जो शुगर एक्चुअल में फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलती है, ठीक हो गया। यानी फ्लोएम के थ्रू, इसमें हमें फ्लोएम का थोड़ा स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट वन इज ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स से रिलेटेड इस चैप्टर में जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमने जो है वो स्टडी कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर जो है वो टॉपिक है जो आपने एंट्री टेस्ट के लिए फिलहाल जो है वो कवर करना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास। तो ओके जी, यहाँ पे हम देखते हैं प्लांट्स के हवाले से, ठीक है। तो प्लांट में हमारे पास एक चीज याद रखनी है आपने, कि अपटेक इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड आप कह सकते हैं वाटर, इसमें आप मटेरियल की जगह पे मिनरल्स कर लें तो वो भी पॉसिबल होगा, ठीक है। मिनरल्स, प्लांट बॉडी, आपको बताया कि हमारे पास जो है वो मेनली जो स्ट्रक्चर है वो रूट्स हैं, शूट्स होती हैं, लीव है हमारे पास, देन स्टेम है, और हमारे पास फ्लावर है, ठीक है। और इनमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन सा होता है, ठीक है, तो वो आपने याद रख लेना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो हमारे पास फ्लावर होता है। ओके, उसके अलावा रूट्स हैं, और रूट्स पे हमारे पास क्या होते हैं इस तरह से, रूट हेयर्स जो है, यानी रूट्स कंटेन रूट हेयर्स, ठीक हो गया, जो के प्लांट को एक तो एंकर कर रही होती हैं, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इन्वॉल्व आप कह सकते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, किस चीज की, ऑफ सैप की। अब क्वेश्चन ये कि ये सैप क्या होता है, तो सैप आपने याद रखना है हमारे पास वाटर प्लस आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में आप इसको और अगर क्लासिफाई कर सकते हैं तो आप इसको कह सकते हैं सॉल्ट्स, ठीक हो गया, आयंस भी कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जो आयंस आ रहे हैं। तो ये एक्चुअल में हमारे पास सॉल्ट आयन यानी न्यूट्रिएंट प्लस वाटर का रूट्स के थ्रू क्या करना, मूव करना, ठीक है, एब्जॉर्व करना बाय द प्लांट इज एक्चुअली
डन बाई रूट्स आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। और इसमें एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती होती है, ठीक है, कि जो टोटल हमारे पास जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के हमारे पास ओवरऑल रूट्स होती हैं, ठीक है, इन रूट्स में ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो रूट हेयर्स होते हैं, ये ऑलमोस्ट जो है, याद रखिएगा, 67%, ठीक है, होते हैं किस चीज का, ऑफ आप कह सकते हैं रूट्स, ठीक है, रूट हेयर्स कितने परसेंट है, 67% है। और ये 67% जो रूट हेयर हैं, ये एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एंकरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और लो से हाई रीजन के अंदर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं वाटर की, आप कह सकते हैं सॉल्ट्स की, ठीक हो गया, ठीक है, सॉइल से एक्चुअल में टूवर्ड द आप कह लें प्लांट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक जो चीजें और भी आ जाती हैं, ठीक है, चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है उसके अंदर ये वाली जो बाय द वे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपकी येलो बॉक्स में से है, ठीक हो गया। तो ये येलो बॉक्स से आपने इसको जो है वो प्रॉपरली देख लेना है, क्योंकि अगर इसमें कोई चीज ऐसी आ जाती है, जितने भी येलो बॉक्सेस हैं आपने उनको अच्छे तरीके से वो पढ़ना है। मिसाल के तौर पे बुक में ही एक येलो बॉक्स के अंदर जो है वो लिखा हुआ है हमारे पास के जो एक एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट का नाम है रोस रोसो रोसोपिस ट्री, ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मली हमारे पास जो है वो लिग्यूमिनस, जो आप कह सकते हैं, ठीक है, लिग्यूमिनेसी एक फैमिली है प्लांट की, ठीक है, जो आपने चैप्टर 9 के अंदर प्लांटी वाला है उसके अंदर जो है वो पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम पढ़ते होते हैं, ठीक है, कि हमारे पास फैमिलीज होती हैं प्लांट की, ठीक है, तो वो फैमिली से रिलेटेड हमारे पास लिग्यूमिनेसी फैमिली है, उस फैमिली से बिलोंग करने वाला हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, प्रोसोपिस, ठीक है, ट्री इसको कहते हैं। इसकी जो रूट्स होती हैं आप याद रखिएगा, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सॉयल के अंदर जो है वो 50 मीटर्स तक जो है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो रूट्स का यानी आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव कह सकते हैं, या आप कह लें कि हमारे पास एक इफेक्टिव होता है कि वो जितनी ज्यादा एंकर होगी, जितनी ज्यादा सॉयल के अंदर, ठीक है, या अर्थ सरफेस के अंदर जो है वो क्या हो जाएंगी, डेप्थ के अंदर मूव होगी, उतने ज्यादा प्रॉपरली ये न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, सॉल्ट्स को, आयंस को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मैक्सिमम डे टेक जो कर रही होती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट है, वैसे भी आपने याद रखना है कि हमारे पास कौन सा प्लांट है जो कि 50 मीटर तक जो है वो जा सकता है, रूट में जो है वो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो जो अब्सॉर्प्शन कर रहा होता है, या रूट्स के अंदर मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन किस चीज के थ्रू हो रही होती है, वो याद रखना है रूट हेयर्स के थ्रू जो वो हो रही होती है। अच्छा जी, इसी तरह आगे हम मूव करते हैं हमारे पास के वाटर और मटीरियल। मटीरियल में हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक तो हमने कह दी थी वाटर, फिर उसके बाद हमने कह दिया आयंस, फिर हमारे पास जो है वो सॉल्ट, ठीक है, फिर हमारे पास हो सकता है गैसेस, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है आप ये बेसिक वो मेन है। अब वाटर को जो है वो रूट से जो है वो क्या कर रहा होगा, ले रहा होगा, आयंस भी जो है रूट से आ रही होती है, सॉल्ट्स भी हमारे पास रूट्स के थ्रू आ रहे होते हैं, जबकि गैसेस जो होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्चुअल में एटमोसफेयर से क्या कर रहा होता है, कैप्चर कर रहा होता है, और ऑक्सीजन को जो है वो क्या कर रहा होता है, इवॉल्व कर रहा होता है। तो ये आपने याद रखना है हमारे पास कि प्लांट जो है वो किस तरह से आप हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व है गैसेस को या सॉल्ट्स को मेजरली जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। अब आगे हम देखते हैं तो आगे हमारे पास आ जाता है कि जी जो प्रोसेसेस हैं, ये जो गैसेस थी हमने पढ़ा, या हमने पढ़ा कि जो सॉल्ट्स है या जो वाटर है, ठीक है, इन वाटर को, सॉल्ट्स को, ठीक है, या बाकी जो ये कंपोनेंट्स होते हैं इनको किस तरह से जो है वो क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन से पाथवे कह सकते हैं। तो प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं जी, जिसके अंदर हमारे पास डिफ्यूजन आ जाता है, ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यानी सिंपल आप ये कह लें कि हमारे पास एक सेल, प्लांट सेल है, ठीक है, और इस प्लांट सेल के थ्रू में ये हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं क्या चल रही होती है जी, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चल रही होती है, सही। अब जब प्लांट अब्सॉर्ब करता है वाटर को, सॉल्ट्स को, तो उसने एक्चुअल में सेल टू सेल जो है वो क्या करनी होती है, एब्जॉर्प्शन करनी होती है, वाटर की भी, सॉल्ट्स की भी, ठीक हो गया, आयंस की भी, ठीक है, तो उसमें ये मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। डिफ्यूजन में ऑब्वियसली सी बात है, आपको बताया कि हाई से
जो है वो हमारे पास लो की तरफ जो है वो जा रहा होता है। ऑस्मोसिस है ये हाई से लो की तरफ जो है वो वाटर की ड्राइवर ट्रांसपोर्ट है। इसको दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सोस्मोसिस और एक होता है एंडोस्मोसिस। ठीक हो गया, एक्सोस्मोसिस ठीक है सेल के इनसाइड से, लेट्स गो ये मेरे पास सेल है। ठीक हो गया, तो हमारे हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सोस्मोसिस है ये वाटर का जो है वो इनसाइड से बाहर जाना, और एंडोस्मोसिस क्या होगा बाहर से वाटर का इनसाइड जो वो मूव करना। सेलिनिटी डिफ्यूजन क्या होती है, अब वो पार्टिकल्स या वो मटेरियल्स या वो मिनरल्स या सॉल्ट्स या आयंस जो के हमारे पास नॉर्मली मेम्ब्रेन्स सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है ठीक है उसको क्रॉस नहीं कर पाते, उनको हम फिर सेलिनिटी डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी हमने इसको डिटेल में देखा था कि फैसिलिटी डिफ्यूजन जो होती है ये एक्चुअल में हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि थ्रू ठीक है प्रोटीन चैनल्स ठीक है या कैरियर जो है वो हमारे पास चल रही होती है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या होता है, सिंपली लो से हाई की तरफ जो है वो क्या करना मूव करना। अच्छा इसमें एक और चीज जो है वो याद रखने वाली वो क्या है कि जो सेल है, अब सेल में सराउंडिंग में है सेल वॉल, उसके बाद हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। याद रखना जो सेल वॉल होती है ये फ्रीली परमीएबल होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सिलेक्टिवली ठीक है परमीएबल होती है, यानी इसके सेल मेम्ब्रेन में प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखना होता है। सेल वॉल जो है वो हमारे पास फ्रीली परमीएबल जो है वो आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम थोड़ा देखेंगे तो स्ट्रक्चर में देखिएगा हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास प्लांट है ठीक है लेट्स सपोज, और उस प्लांट का मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो देखा है वो किस तरह से नजर आता है, जिसमें आउटर मोस्ट जो है वो आपको पता है एपिडर्मिस होती है ठीक है ये, उसके बाद हमारे पास जो है वो ये रीजन होता है कॉर्टेक्स, साथ ही हमारे पास क्या होती है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास एक और लेयर इनसाइड होती है उसको हम कहते हैं पेरिसाइकल, देन हमारे पास फ्लोएम है, देन हमारे पास जो है वो क्या होता है जाइलम होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ भी बताता जाता हूँ कि वेस्कुलर सिलेंडर, अब ये दो चीजें नोट कर लीजिएगा, वेस्कुलर बंडल होता है और दूसरा वेस्कुलर सिलेंडर। वेस्कुलर जो बंडल है वो हमारे पास क्या होगा जाइलम प्लस फ्लोएम। ठीक हो गया। वेस्कुलर सिलेंडर क्या होता है जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस पेरिसाइकल, यानी मैंने क्या कहा जो वेस्कुलर बंडल हमने कहा वेस्कुलर जो बंडल है चले ठीक है वेस्कुलर बंडल को आप पेरिसाइकल के साथ ऐड करेंगे तो ये कलेक्टिवली क्या हो जाएगा वेस्कुलर सिलेंडर। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है, ये आगे भी बताऊंगा मैं। अच्छा जी यहां देखिएगा हमारे पास जो रूट्स का है, लेट्स सपोज मेरे पास प्लांट है ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ है कि दो तरह के प्लांट्स होते हैं ठीक है, मोनोकॉट प्लांट होते हैं डाइकॉट प्लांट होते हैं ठीक है। तो अब हमारे पास मैं कहता हूँ कि मेरे पास इस तरफ जो है वो ये मोनोकॉट है और ये मोनोकॉट की रूट का क्या है डाइसेक्शन है, इसी तरह यहाँ पे डाइकॉट है तो ये रूट जो डाइकॉट रूट है उसका जो है वो डाइसेक्शन है। ठीक हो गया। अब इसको आपने केयरफुली जरा देख लीजिएगा, डाइकॉट की अगर हम बात करते हैं इसमें आउटर मोस्ट रूट हेयर सिंपली एपिडर्मस, उसके बाद हमारे पास कॉर्टेक्स है, देन एंडोडर्मस है, उसके बाद हमारे पास पेरिसाइकल होती है और फ्लोएम जो है वो कुछ इस एंगल से इस तरह मौजूद होती है, यानी यहाँ पैक्सिस के अंदर कुछ कुछ जगह पे, और उसके इनर रीजन के अंदर ये सारा का सारा जो रीजन होता है ये हमारे पास जाइलम होता है। इसके कंपेरिजन में अगर हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो मोनोकॉट में रूट हेयर्स एपिडर्मस हो गया, उसके बाद हमारे पास जो है आपका आ जाएगा क्लियर कट से एक बड़ी सी जो है वो लार्ज एंडोडर्मिस है, यहाँ पे फ्यूज फॉर्म के अंदर होती है किसके अंदर डाइकॉट्स के अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर क्लियर कट जो है वो एंडोडर्मिस, उसके बाद ये सीक्वेंस के अंदर एक सर्कल की फॉर्म के अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम जो है वो नजर आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह आपने याद रखना है सेंट्रलाइज रीजन जो है वो इनका क्या होती है पिथ होती है। ठीक है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने क्या कहा आउटर मोस्ट रूट एपिडर्मिस है, उसके बाद ये कॉर्टेक्स का रीजन है,
फिर उसके बाद हमारे पास एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है, फिर हमारे पास जो है वो जाइलम और फ्लोएम है, और इन रीजन के अंदर हमारे पास क्या है आ जाता है आपका पिथ आ जाता है। इसको दोबारा देखें, ये इसका रियल माइक्रोस्कोपिक जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है। इस पर आप देख सकते हैं, इसको केयरफुली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो है ये आ रहा है मोनोकॉर्ड्स में, ये आ रहा है डाइकॉर्ड्स में। मोनोकॉर्ड्स के अंदर ये आउटर मोस्ट हमने कहा था एपिडर्मिस, उसके बाद ये कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, और फिर ये आपको नजर आ रहे होंगे, और फिर ये सेंट्रलाइज रीजन के अंदर हमारे पास जो है वो पिथ जो नजर आ रही है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इतने से पोर्शन को अगर फोकस करें तो ये आपको बिल्कुल सेम इसी तरह का ही स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने एक तो मोनोकॉट और डाइकॉट की स्ट्रक्चर के हवाले से जो डिफ्रेंशिएशन याद रखनी है कि सेंट्रलाइज रीजन के अंदर जो डाइकॉट है सेंट्रलाइज रीजन में इसकी क्या होता है जाइलम, मोनोकॉट में सेंट्रलाइज रीजन के अंदर क्या होता है पिथ, ठीक है। ये इसी तरह जो हमारे पास आपसे पूछ सकते हैं कि ये एक सर्कुलर के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम किसके अंदर मौजूद होते हैं, तो यू मस्ट हैव इन योर माइंड के हमारे पास जो जाइलम और फ्लोएम अगर सर्कुलर फॉर्म के अंदर आएंगे तो हमारे पास मोनोकॉट के अंदर होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये बुक की ही डायग्राम मैंने उठाई है और यहाँ पे ऐड कर दिए। अब इसमें ये अगर पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड करिएगा, मेरे पास ये फर्ज करें ट्री है और इतनी सी मैंने जो वो रूट जो है वो यहाँ पे ले लिया, ये रूट का आप कह सकते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास ये है जी रूट, ये सिंपल ये सॉइल का रीजन है, ठीक हो गया, ये वाला सारा सॉइल का रीजन है। उसके बाद हमारे पास एयर है इसके अंदर, देन हमारे पास यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या आपको नजर आ रही है एपिडर्मिस। उसके बाद हमारे पास ये एक थिक लेयर ऑफ सेल है, इसको हम कह देते हैं कॉर्टेक्स। अब इसके अंदर होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, तो वो आपने पढ़ा हुआ है हमारे पास कि जी जो प्लाज्मोडेस्माटा है हमारे पास वो है जी कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास प्लांट ये एक सेल है, ठीक हो गया, और इसमें ये आ गया जी प्लांट सेल आ गया, ठीक है, लेट्स सपोज इस तरह से ये मैंने बना दिया। इसी तरह एक और प्लांट सेल हमारे पास जो है वो आ जाता है, ठीक हो गया, और प्लाज्मो जो है इस तरह से ये आ गया, ठीक है, और ये इसकी इस तरह से सेल वॉल। अब याद रखना हमारे पास क्या होता है कि जो प्लांट है, ठीक है, जो हमारे पास प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू ईच अदर, आप कह सकते हैं स्पेशलाइज टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, एंड दीज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। यानी प्लाज्मोडेस्माटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको शो कर देता हूँ इस तरह से, ये आ गया जी, ये क्या हो जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा, ये आ गया प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या है जी साइटोप्लाज्मिक जो है हमारे पास कनेक्शंस हैं, जिनमें एक जो आप कह सकते हैं कि जो सेल है उससे दूसरे सेल की तरफ जो है वो क्या किया जा रहा है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट जो है वो आप कह सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये आ जाता है, ठीक हो गया। तो वापस चलते हैं, हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि ये आ गया। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कॉर्टेक्स के सारे सेल जो है वो कनेक्टेड है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास एंडोडर्मिस आ जाता है, फिर हमारे पास एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, और उसके बाद जो है हमारे पास वैस्कुलर बंडल। अब जो एंडोडर्मिस होता है ना, इसको गौर से देखना आप, एक पॉइंट बताने लगो, एंडोडर्मिस में जो सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स यहाँ से नॉन कंडक्टिंग एक मटेरियल होता है जो क्या करता है इन सेल्स के अंदर यहाँ इस रीजन को ब्लॉक कर देता है, इसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक हो गया। अब मैं एक सीक्वेंस लिखने लगा हूँ, आपने याद रखना है कि अगर एक चीज सॉइल से मूव करती है तो इट हैज टू मूव थ्रू रूट हेयर्स, उसके बाद ये कहाँ जाएगा एपिडर्मिस से क्रॉस करते हुए इसने पहुंचना है कहाँ पे कॉर्टेक्स में,
ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स के बाद वो जाएगा एंडोडर्मिस के अंदर, ठीक हो गया। एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास वो जाता है पेरिसाइकल के अंदर, पेरिसाइकल से वो पहुंचता है जाइलम के अंदर। अब यहां से नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी के एमसीक्यू आ सकते हैं। मसलन वो आपसे पूछ सकता है कि जी जो वाटर है या वाटर के अंदर डिजॉल्व मिनरल्स है, ये सॉल्ट्स वगैरह है, वो रूट हेयर से किस रीजन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो एपिडर्मस। आप कह सकते हैं रूट रीजन का आउटर मोस्ट रीजन एपिडर्मस है। अच्छा, एपिडर्मस से वो कहाँ जा रहे होते हैं हमारे पास, कॉर्टेक्स में, आपने याद रखा। कॉर्टेक्स से कहाँ जा रहे होते हैं, एंडोडर्मस के अंदर जा रहे होते हैं, और एंडोडर्मस से आप कहाँ जा रहे होते हैं, पेरिसाइकल, और वहां से कहाँ एंटर होते हैं, जाइलम के अंदर। ये एक सीक्वेंस जो है वो आपने याद रखना है, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों के केसेस में। वो आपसे पूछ सकता है कि जी आफ्टर जाइलम क्या आता है, बिफोर जाइलम क्या आता है, या बिफोर एंडोडर्मस क्या आता है, ठीक है। ये आपने जो है वो एक चीज याद रखनी है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नॉन कंडक्टिंग रीजन होता है, सिंपली आप कह सकते हैं इसका रोल ये किस तरह से होता है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। ओके, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो भी मैं पीछे भी बता के आया हूँ कि वेस्कुलर सिलेंडर हमने क्या कहा है, जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकल, ये देख रहा है इसको क्या किया है उसने, वेस्कुलर जो सिलेंडर है, ठीक है, इसको इधर करके लिखते हैं, वेस्कुलर जो सिलेंडर है इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इसमें आ जाएगा हमारे पास वेस्क्यूलर बंडल्स प्लस हमारे पास पेरिसाइकल। अच्छा, वेस्कुलर बंडल हमारे पास आ गया और पेरिसाइकल आ गया, तो कलेक्टिवली हम इसको, या फिर इसको एक और तरह से भी कह सकते हैं, वेस्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू फ्लोएम प्लस जाइलम प्लस हमारे पास आ जाएगा पेरिसाइकल, ठीक हो गया। यहां तक ठीक है, आपने ये स्ट्रक्चर को क्लियरली जो है वो याद रखना है, ठीक है। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किस तरह से मौजूद थे, ठीक है, ये हमने देखा। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, ये भी आपके एक्चुअल में मतलब एक तो आपको पीछे जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है, वहां से आपको स्ट्रक्चर के हवाले से पूछ सकता है, ठीक है, येलो बॉक्सेस के हवाले से पूछ सकता है, ठीक है, वो आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक हो गया। और नॉर्मली इसमें से एक से दो एमसीक्यूज ही आएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, मगर जाहिर है अब एक से दो एमसीक्यूज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा वर्थ रखते हैं, इसलिए हमने उनको प्रॉपरली जो है वो क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अच्छा, येलो बॉक्सेस वगैरह हो गए, ठीक है। अच्छा, एक और जो है वो एसोसिएशन है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमने पढ़ी हुई है माइकोराइजा, ठीक हो गया, या हम उधर पढ़ के भी आए थे जब हमने फंजाई पढ़ा था, ठीक है। एक टर्म थी लाइकन, लाइकन हमने पढ़ा था, जो फंजाई है, ठीक है, उसकी एलजी के साथ जो एसोसिएशन थी उसको हमने क्या कहा था, लाइकन। माइकोराइजा हमारे पास क्या होता है, माइकोराइजा आपने याद रखना है प्लांट्स प्लस आप कह सकते हैं जो फंजाई है, इनकी जो है वो एसोसिएशन है। अच्छा, अब हमारे पास दो तीन चीजें आ जाती हैं, और वो क्या आ जाती हैं कि जी जो आपके पास जो फंजाई है, ठीक है, या जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये इनकी एसोसिएशन जो है वो क्यों होती है, ठीक है, उसकी रीजन क्या होती है। सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी है हमारे पास कि जो फंजाई है, ठीक है, वो हमारे पास हायर जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ जो है वो एक तो एसोसिएशन जो है वो बना रही होती है, एक तो आपके पास एक चीज जो है वो ये आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरा, हमारे पास फंजाई का रोल क्या होता है, उसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि जो मेजर, ठीक है, प्लांट्स के हवाले से जो फंजाई प्लांट्स को प्रोवाइड कर रही होती है, उसमें आपने एक चीज याद रखनी है, हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस, ठीक है। और इसके अलावा कुछ अदर आप कह सकते हैं ट्रेस मटीरियल या ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं, बायो एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, बायो एलिमेंट्स कह लें इनको, या मेटल्स भी कह लें, ठीक है। तो ये बायो एलिमेंट्स जो मेटल्स होते हैं, ये हमारे पास कौन से होते हैं, एक तो जिंक आ जाता है, ठीक हो गया, और दूसरा हमारे पास जो है वो कॉपर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ZnCu और P, ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीजें जो है वो याद रखनी है हमारे पास, कि जो फंजाई है
ठीक है, वो प्लांट को क्या दे रही होती है, यानी प्लांट ग्रुप को बेनिफिट क्या जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, ये आपने एक चीज याद रखनी है कि फॉस्फेट जो है ठीक है वो प्रॉपरली आप कह सकते हैं प्रोवाइड की जा रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर कोई प्लांट की रूट डैमेज है, ठीक है, इफ रूट इज डैमेज, ठीक है, इफ रूट इज डैमेज, तो उसमें आपने एक चीज याद रखनी है हमारे पास कि जो फंजाई है ये क्या करती है, उस प्लांट को हाईएस्ट कह सकते हैं क्वांटिटी के अंदर, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन के अंदर जो है वो फॉस्फोरस जो है वो देना शुरू कर देती है। ठीक हो गया, ये सिंपली बस एक चीज याद रख लें। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो प्लांट जो फंजाई है, प्लांट को एक तो ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, दूसरा प्लांट फंजाई को जो है वो क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपने याद रखना है कि प्लांट फंजाई को जो है वो एक तो यानी फूड ऑब्वियसली सी बात है जो है वो दे रहा होगा, यानी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो वो ग्लूकोज सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, या शुगर जो उसमें कन्वर्ट कर रहा था, तो वो एक्चुअल में किसको दे रहा होता है जी, प्लांट्स को, फंजाई को जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है वो आपको पता है शेल्टर है या बाकी जो हमारे पास मटेरियल वगैरह आ जाते हैं उनके लिए आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा जो माइकोराइजा का जो एसोसिएशन है, यानी अगर आपसे पूछ लें कि जो माइकोराइजा एसोसिएशन है कौन सा आप कह सकते हैं प्लांट्स का ग्रुप है जिसके अंदर जो है वो ये सबसे हायर क्वांटिटी में होता है, तो आपने याद रखना है फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यानी फ्लावरिंग प्लांट हमारे पास वो आप कह सकते हैं कि प्लांट की कैटेगरी है जिसके अंदर जो है वो प्लांट क्या कर रहे होते हैं, ये 90% ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन जो है वो रख रहे होते हैं। ठीक है, ये एक तो आपने याद रख देना। अच्छा जी, इसके बाद फर्दर मूव करते हैं, तो ये थोड़ी सी टर्म्स हैं, ये आपने याद रखनी है, डायग्राम क्लियर नहीं है तो फिर भी याद रख लें। अब इसमें मैं पहले आपको उधर समझाता हूँ, ठीक है, ये टर्म्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए, अब ऑब्वियसली इस बात पता भी होगी। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि जी लेट्स सपोज मेरे पास एक बीकर है, ठीक हो गया, ये तीन बीकर हैं, ठीक है, इस तरह से, और तीनों बीकर के अंदर जो है वो मेरे पास क्या है जी, वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, इस तरह से मौजूद है। ठीक हो गया, ये वाटर आ गया, ये वाटर, ठीक। अच्छा, उसके बाद इन्हीं के अंदर ही हमारे पास क्या है, ये सॉल्ट्स भी जो है वो क्या है मौजूद है, ऐसे सॉल्ट भी मौजूद है। मैं इन बीकर्स को जो है नेमिंग दे देता हूँ, लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूँ ये ए है, ये बी है, ये हमारे पास सी है। याद रखना, हमारे पास अगर मैं कहूँ बीकर ए के हवाले से, इसके अंदर जो वाटर है, वाटर इज एक्चुअली सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, मैं कहता हूँ सॉल्वेंट जो है वो हायर क्वांटिटी में है, और जो सोल्यूट है वो हमारे पास लो क्वांटिटी के अंदर है। ठीक है, सोल्यूट में सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, सोल्यूट्स के अंदर जो है वो आयंस हो सकते हैं या बाकी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। नाउ अब वाटर हमारे पास क्या है, हाईएस्ट क्वांटिटी के अंदर है, इसी तरह जो सोल्यूट है ये हमारे पास कम क्वांटिटी के अंदर है। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्वेंट, ठीक है, सोल्यूट मिल जाता है तो वो क्या बना देता है, सोल्यूशन। ठीक हो गया। तो अब जो सोल्यूशन है हमारे पास, ये याद रखना है, इस सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक। ठीक हो गया, इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसी तरह मैं कहता हूं कि मेरे पास एक और जो है वो स्ट्रक्चर है, बी बीकर है, इस बीकर में हमारे पास क्या है कि जो सॉल्वेंट है या जो वाटर है ये हमारे पास क्या है, लो कंसेंट्रेशन के अंदर है, जबकि सोल्यूट हमारे पास क्या है, हाई कंसेंट्रेशन के अंदर है। तो ये क्या बना रहे हैं, सोल्यूशन, और इस तरह का जो सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक हो गया, यानी हाइपरटोनिक, इसमें टॉनिक यानी सोल्यूट जो है हमारे पास क्या ज्यादा है। अच्छा, एक थर्ड हमारे पास आप कह सकते हैं जिसके अंदर क्या है, मैं कहता हूं कि जी जो सॉल्वेंट है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, आप कह सकते हैं सॉल्यूट इक्वल कंसेंट्रेशन है, इसको हम कह देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, प्लांट सेल को लेता हूं, ठीक है, और प्लांट सेल को इस तरह से रिप्लेस कर देता हूं इनके अंदर रख देता हूं।
ठीक है। अब कॉमन सी बात है, आपको पता है कि हमने अभी पीछे ऑस्मोसिस देखा है कि वाटर की जो कंडक्शन है वो हाई से लो की तरफ जो है वो कैसे हो रही है, ठीक हो गया। तो वो सिंपल हाई से लो की तरफ जो है वो डिफ्यूजन कह लेंगे, ऑस्मोसिस कह लेंगे अगर वाटर है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो बाहर वाटर ज्यादा है, ठीक हो गया। अगर वाटर बाहर ज्यादा है तो वाटर जो है हमारे पास बाहर से इन साइड जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। दूसरा है हाइपरटोनिक, इसमें क्या हो रहा है, वाटर जो है वो बाहर सराउंडिंग में कम है, सॉल्वेंट कम है, तो वाटर जो है वो सेल के इनसाइड से आउटसाइड जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा, और इसके अंदर जो है वो नो मूवमेंट होगी, ठीक है। हम इसको इग्नोर कर देते हैं, नेग्लिजिबल होती है नेग्लिजिबल, मगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक हो गया। ये आपने तीनों चीजें याद रखनी है। अब जब ये वाटर ऐड करेगा या ये वाटर लूज करेगा या इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वो यहाँ पे मैंने बताया। अब ये देखें, ये हमारे पास एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में था, तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट जो है वो कम है, ठीक हो गया। तो इस सूरत में क्या होगा, वाटर जो है वो क्या कर देगा, सेल को लीव कर देगा, तो सेल क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइज जो है वो हो जाता है, ठीक हो गया। दूसरी है आइसोटोनिक, जिसके अंदर हमने अभी पढ़ा सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, इसको हम क्या देते हैं कि वाटर जो है वो कंडक्शन जो है वो हमारे पास क्या चल रही है, नॉर्मली जितना वाटर आ रहा होता है उसी मूवमेंट में जा रहा होता है। और हाइपोटोनिक क्या होगा, वाटर जो है वो क्या होता है, बाहर से इनसाइड जो है वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है वैक्यूल में, और ये सेल को क्या करता है, टर्स जो है वो आप कह सकते हैं रख लेता है, ठीक हो गया। ये एक चीज है वो आप याद रखिएगा आगे इस चीजों को अंडरस्टैंड करने के हवाले से। नाउ अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन आता है कि जी जो वाटर है उसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, ठीक हो गया, वाटर को कैसे कंडक्ट करते हैं। तो वाटर की कंडक्शन के हवाले से हमारे पास नॉर्मली हमने कहा जी कि ऑस्मोसिस होती है, और ऑस्मोसिस में हमने एंडो एंड एक्सोस्मोसिस जो है वो देखा, ठीक हो गया। तो अब एंडो ऑस्मोसिस या एक्सो ऑस्मोसिस जो हो रही है, ठीक है, वो किस तरह से चलती है, हम पीछे अभी पढ़ के आ रहे हैं कि भाई आप ये बता रहे हैं कि जी यहाँ से रूट्स से तो इतना बैरियर है और यहाँ पे जाइलम पड़ा हुआ है, तो इतने बैरियर को वाटर कैसे क्रॉस करेगा, वो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास। और इसमें तीन जो है वो हमारे पास पाथवे आ जाते हैं, ठीक है, तीन पाथवे हैं। एक हमारे पास है एपोप्लास्ट, ठीक हो गया, दूसरा हमारे पास आ जाता है जिसको हम कह देते हैं सिम्प्लास्ट, ठीक है, सिम्प्लास्ट, और उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है वैक्यूलर पाथवे। नाउ अब जो एपो है, ठीक हो गया, इसको अगर मैं कहूँ ना तो जो एपो का वर्ड है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एपो, एपो का जो वर्ड मीनिंग होता है इसको हम कहते हैं अवे फ्रॉम, ठीक हो गया। आप इसको कह सकते हैं कि जी जो इसमें नॉन जो है प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होंगे, ठीक हो गया, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, यानी प्रोटोप्लाज्म का आपस में कनेक्शन नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सिम्प्लास्ट है। अब सिम का वर्ड जहां पे भी आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब जिस तरह हम पढ़ते हैं सिम्बायोट, ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं सिम्बायोट, ठीक है, सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम टुगेदर, बायो लाइफ, यानी टू लाइफ का इकट्ठे एग्जिस्ट करना, इसको हम क्या देते हैं सिम्बायोट्स, ठीक हो गया। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम दोबारा से देखें तो इसमें क्या देते हैं जी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक हो गया। नाउ प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है, कनेक्शन, ओके, वैक्यूलर हमारे पास क्या होता है, ये सिंपल आप कह सकते हैं कि वैक्यूल टू वैक्यूल जो है यहां से मूव करता है, वो किस तरह से अभी हम देखते हैं, वैक्यूल टू वैक्यूल। नाउ अब हमारे पास ध्यान रखिएगा कि जी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, मसलन यहाँ पे कलर डिफरेंट इंडिकेट किया हुआ है, आपको समझ आ भी जाएगी, इतना मुश्किल भी नहीं है कि यहाँ पे कलर देखें, ये हमारे पास ये है,
ये जो कलर इंडिकेट करेगा ये सिम्प्लास्ट को इंडिकेट करता है, ये कलर जिसको इंडिकेट करता है ये हमारे पास एपोप्लास्ट को जो है वो क्या कर रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है। नो अब हमारे पास क्या होगा कि यहां से ये पहले हम देखते हैं सिम्प्लास्ट को, सिम्प्लास्ट हमने कहा टुगेदर ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है ये हमारे पास क्या है प्लाज्मोडेस्माटा, यानी जो हमारे पास सिम्प्लास्ट है इसमें क्या होता है प्लाज्मो डेस्मेटा के थ्रू, जो हम पीछे पढ़ के आए थे प्लाज्मो डेस्मेटा हमारे पास क्या होता है सिंपली साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं। तो उन प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शंस होते हैं उनके थ्रू जो हमारे पास वाटर है उसका मूव कर रहा है। तो एक सेल के अंदर ये वाटर है, यहाँ से फर्स्ट करें रूट से इधर आ गया है, यहाँ से वो क्या करेगा कॉर्टेक्स में, यहाँ से एपिडर्मल सेल्स में, वहां से पेरिसाइकल्स के अंदर और वहां से जाइलम तक जो वो पहुंच जाता है। नाउ अब यहाँ से फर्दर दूसरा जो सिस्टम है वो याद रखना है वो क्या है, दूसरा है एपोप्लास्ट। ये सेल की सराउंडिंग में आप कह सकते हैं जो स्पेसिस होती हैं, ठीक हो गया स्पेसिस होती है उनके थ्रू जो मूव करता है। स्पेसिस में क्या होता है ये वाटर मूव कर रहा है, ठीक है यहाँ मूव करता है, बट जब ये पहुंचता है ना एंडोडर्मस के रीजन में, ठीक है तो आपको पूछ सकते हैं कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ होती है, तो हमने क्या पढ़ा एंडोडर्मस के अंदर होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन एंडो डर्मिस। नाउ अब यहां से जो है क्या होगा ये वाटर यहां तक तो आ गया है मगर यहां से ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता इसको, ठीक है क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर जो है वो बना होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो अब क्या होगा यहाँ पे वाटर इकट्ठा होता रहेगा और फिर जो है सेल जो एंडोडर्मस के सेल है, ठीक है याद रखना वो क्या करते हैं मजबूर होके वाटर को इनसाइड ले जाते हैं और यहाँ से आगे वो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की तरह प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वो मूव करके पेरिसाइकल और कहाँ पहुंच जाता है जाइलम के थ्रू पहुंच जाता है। ठीक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने क्या कहा है अभी कि हमारे पास जो जो एपोप्लास्ट है, ठीक है इसको मैं लिख देता हूँ एपोप्लास्ट पाथवे जो है इंटरप्टेड एट विच रीजन, अभी हमने देखा इंटरप्टेड एट विच रीजन एंडोडर्मस के रीजन में, ठीक है एंडो डर्मिस बिकॉज ऑफ कैस्पेरियन, ठीक हो गया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक हो गया नाउ इट विल टेक सिम्प्लास्ट, ठीक है या सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है ये याद रखना है। उसके बाद वैक्यूलर पाथवे है, वैक्यूलर पाथवे सिंपल वैक्यूल होता है, आप ये कह लें कि जी जो एक सेल के वैक्यूल थे इस तरह से, ठीक है तो एक सेल के वैक्यूल, अब फर्ज करें ऊपर जाइलम के ऊपर प्लांट प्लांट्स के अंदर कहीं पे वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है, उस वाटर डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए क्या होता है कि यहाँ से वाटर जो है वो हमारे पास वैक्यूल से, यानी मैं कहता हूँ कि सॉइल के अंदर वाटर बहुत कम है, ठीक है तो अब सॉइल से लेने की बजाय प्लांट का जो वैक्यूल होता है जिसके अंदर वाटर स्टोर होता है वो फिर वैक्यूल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी वैक्यूल साहब आप जो है वो वाटर दे दें, तो ये क्या करता है थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर वाटर रिलीज करेगा, ये यहाँ जाएगा अगला वैक्यूल भी थोड़ा सा वाटर दे देगा, इसी तरह यहाँ पहुंचेगा अगला वैक्यूल फिर वाटर दे देगा, फिर ये यहाँ पहुंचेगा अगला वैक्यूल। तो इस तरह से क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली आप कह सकते हैं वैक्यूलर पाथवे की जब जरूरत पड़ती है तो वो भी सिम्प्लास्ट वाले पाथवे को फॉलो करते हुए वाटर को जाइलम तक जो है वो क्या करता है पहुंचा देता है फीड करा देता है। ठीक है तो ये तीनों पाथवे जो है वो आपने याद रखने हमारे पास के किस तरह से जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम द रूट सॉइल्स की रीजन से जाइलम के रीजन तक। ओके इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है, ठीक है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है और वो है जी वाटर पोटेंशियल। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, अक्सर स्टूडेंट इसको बहुत ज्यादा मुश्किल समझ लेते हैं, तो इट इज नॉट एज मच, ठीक है मुश्किल जितना अक्सर होता है। अब इसमें देखिएगा ये है क्या, वाटर पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ, डेफिनेशन लिखी हुई है मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इज अ मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वॉटर स्पेशली वॉटर मूवमेंट बिटवीन टू सिस्टम, बिटवीन टू सिस्टम यानी दो सिस्टम है, ठीक है हमारे पास सेल का सिस्टम आ रहा है
ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसको वो कह रहा है टू सिस्टम। ठीक, वो कहता है हमारे पास कि जो वाटर पोटेंशियल है इज अ मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है दो सिस्टम के दरमियान। अब देखो ना, इससे हमें ये पता चल जाएगा जो पीछे हमने सीक्वेंस पढ़ा है कि एपिडर्मस होती है, कॉर्टेक्स होता है, फिर उसके बाद एंडोडर्मस है, पेरिसाइकल का रीजन है, फिर उसके बाद जाइलम है। तो हमारे पास, हमें ये क्लियरली पता चल जाएगा अगर हमें वाटर पोटेंशियल का पता चल जाएगा, यानी वाटर के अंदर जो स्टोर एनर्जी का पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी स्टोर एनर्जी है और उसको किस तरह से मूव कराया जा सकता है या वो किस तरह से मूव करता है। ठीक हो गया, इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं। ये क्या है जी, डेफिनेशन दूसरी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन गिवन वाटर सैंपल एंड प्योर वाटर। अब यहाँ पे ये बड़ा रोला डलता है कि जी वाटर सैंपल एंड प्योर वाटर में क्या डिफरेंस है, इसको जरा गौर से देखिएगा। हमारे पास, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास मैं ये एक जार है, बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, मौजूद है। इस तरह से ये वाटर मौजूद है, ठीक हो गया, इस तरह से ये वाटर मौजूद है। अब मैं कहता हूँ ये प्योर H2O है, ठीक है, एक हम जो वाटर यूज करते हैं, ठीक है, अक्सर ये जो आती है डिफरेंट कंपनीज की, उसके ऊपर लिखा होता है मिनरल वाटर, ठीक हो गया। फिर आपने सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर, ठीक हो गया। तो मिनरल वाटर होता है जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिल वाटर को आप पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज इसके अंदर सॉल्ट, ठीक है, या आयंस वगैरह नहीं होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि प्योर जो वाटर होगा वो क्या होगा, प्योर H2 होगा, यानी उसके अंदर सिर्फ H2 ओनली, ठीक है, ओनली H2, ठीक है। जबकि जो हमारे पास दूसरा रीजन है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इस तरह से क्या मौजूद है, सॉल्ट जो है वो मौजूद है। तो याद रखना प्योर वाटर है और इधर सॉल्ट है। अब ये गौर से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक वॉल है, मैंने क्या किया, इन इस बीकर को जो है वो उठाया, ठीक है, मेरे पास एक वॉल है, ठीक है, मैंने इस बीकर को उठाया और इस तरह फेंका और इसको इस तरह से ये उठाएंगे दिया। या मैं कहता हूँ कि मेरे पास सेल है, ठीक है, मैंने इस सेल को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, हाफ में ये वाला वाटर ऐड कर दिया, एक हाफ में ये वाटर ऐड कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट वाला वाटर होता है ना, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है वो सॉल्ट के ऐड होने की वजह से वो क्या होगी, ये लो होगी। प्योर वाटर ही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, के प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हायर होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, यानी मेरे पास अगर कोई चीज सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर है तो वो आपने याद रखना है, हमारे पास क्या होगा कि ये देखा, आप देखा इसको जरा करें, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन गिवन वाटर सैंपल एंड प्योर। ये हो सकता है सिंपल वाटर हो सकता है, इसके अंदर मिनरल वाटर हो सकता है, वो सोल्यूटेड वाटर हो, ठीक, ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर हमारे पास साई से, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपने याद रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर यूनिट ऑफ प्रेशर इसका होता है वो हमारे पास मेगा पास्कल होता है, ठीक है, और जो वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, या वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम है, इसको हम दो पार्ट्स में कह सकते हैं, डिवाइड करते हैं, या ये दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक हमारे पास होता है साई एस और एक होता है साई पी। ये साई एस क्या होता है, इसको हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, और साई पी हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल, ठीक हो गया। और अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें, ठीक है, अगर इनको डिफाइन करना चाहें तो आपने याद रखना है, ठीक है, इसको बल्कि बताने से पहले एक और चीज मैं आपको जो बता रहा था उसमें मैं एक चीज की एडिशन करना चाहूंगा, वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ये वाली, ठीक है, ये हम बात कर रहे थे, हमने कहा था जी प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो सोल्यूट की निस्बत क्या होता है, सोल्यूशन की निस्बत क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ आ गई, सोल्यूशन की निस्बत हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाटर का सोल्यूशन का जो हमारे पास है ये ऑलवेज पॉजिटिव, अगर मैं इसको वन असाइन कर दूं, ठीक है, और इसका मतलब ये कि बाकी वैल्यूज वन से छोटी होंगी, इसका मतलब है जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो उसका प्रेशर पॉसिबिलिटी है तो वो नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा भी बताता हूँ, ठीक है, तो हमने क्या कहा,
जो साई एस है सॉल्यूट पोटेंशियल है, और जो साई पी है वो हमारे पास क्या है, वाटर पोटेंशियल है, ठीक हो गया। अच्छा अब हमारे पास अगर मैं कहूँ कि जी जो साई एस है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि बाय द वे जो सॉल्यूट पोटेंशियल होते हैं इसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कह देते हैं, ठीक हो गया। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक हो गया, ये सारा आ जाएगा इसमें। हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर, ठीक है, मेजर ऑफ चेंज इन वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं अब ये साई डब्ल्यू यूज करूंगा जहां पे भी ये वाटर पोटेंशियल इंडिकेट करेगा। मैंने क्या लिखा है, मेजर ऑफ चेंज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम, ठीक हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी सल्यूट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एनी सल्यूट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी सल्यूट, ठीक हो गया। यानी साई डब्ल्यू क्या है ऑफ अ सिस्टम, इसका अगर हम साई जो एस है सल्यूट पोटेंशियल है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मेजर ऑफ चेंज इन वाटर पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्यूट चेंज इन। अब चेंज इन का मतलब जरा अंडरस्टैंड करना, चेंज इन का मतलब क्या है, जो अभी हमने यहाँ बात की, हमने क्या कहा, वाटर, प्योर जो वाटर है हमारे पास, ठीक है, जो प्योर वाटर है और जो सल्यूट जिसके अंदर ऐड कर दिया है, तो अब सल्यूट जिसके अंदर ऐड कर दिया है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों, उसके अंदर सल्यूट ऐड हो गया, प्योर वाटर की निस्बत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे यही बता रहा था, हमने क्या कहा जी कि हमारे पास मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वाटर और वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ऐड होगा तो उसका जो प्रेशर आप कह सकते हैं वो हमारे पास क्या रहता है, चेंज जो है वो हो जाता है, ठीक हो गया। और याद रखना है कि साई एस जो है इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ये हमारे पास क्या होता है, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि कम है ना, ठीक है, कम है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। अच्छा उसके बाद दूसरा हमारे पास है प्रेशर पोटेंशियल, ठीक हो गया। अब प्रेशर पोटेंशियल हमारे पास क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, तो आप सिंपल इसमें ये कह सकते हैं कि मसलन फर्ज करें मैंने क्या किया है, एक स्पेसिफिक सरफेस है, ये सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने उनको वाटर जो है कहने ज्यादा क्वांटिटी में देना शुरू कर दिया या प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया ज्यादा, ठीक है। तो उस सूरत में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, तो अगर हम इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो हम इसको सिंपल ये कह सकते हैं कि जी जो वाटर है हमारे पास, ठीक है, जो वाटर जो प्रेशर पोटेंशियल है ये हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रेशर का ये, ठीक हो गया। ये आपने जो है वो याद रखना है हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जी ये एक स्पेसिफिक रीजन से दूसरे स्पेसिफिक रीजन तक पंप करने के लिए वाटर को जो है वो क्या कर रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। इसको आगे अंडरस्टैंड करते हैं फर्दर। ये हमारे पास आ गया जी एक बीकर, एक आप सिंपल कह लें कि जी हमारे पास सरफेस है, ठीक हो गया, प्योर वाटर है, प्योर वाटर के अंदर मैंने क्या किया, सल्यूट ऐड कर दिए। जब मैंने इसको सल्यूट ऐड किए तो इस रीजन के अंदर सॉल्वेंट क्या हो गया, कम हो गया, और सल्यूट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये पहले बैलेंस था, अब क्या हो गया हमारे पास, ये मूव करके इस तरफ जो है वो आ गया वाटर। वाटर क्या हो गया, अपने हाई से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव कर गया। ये कंसंट्रेशन का वर्ड याद रखना, मैंने कहा एडिंग ऑफ द सॉल्यूट राइट साइड लोअर क्या करता है, साई एस मूव टू द राइट साइड ऑफ द ट्यूब। इसी तरह यहां देखते हैं, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने प्रेशर एग्जर्ट किया है, तो जब मैं प्रेशर एग्जर्ट करूंगा तो वाटर ऑटोमेटिकली क्या करता है, हमारे पास क्या कर देता है, मूव कर जाता है, ठीक हो गया, टूवर्ड। इसको हम प्रेशर पोटेंशियल कह देते हैं, ठीक हो गया, ये साई पी, इसको हम कह देते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। अब यहाँ पे वापस आते हैं, जो चीज, ठीक है, अभी रूट्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जो चीज अभी आप पढ़ के आ रहे हैं, वाटर हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, नाउ यू विल कॉल इट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल एरिया टू द लो पोटेंशियल एरिया। बात वही है, सिर्फ और सिर्फ हाई पोटेंशियल में जो है वो एडिशन होगी एक चीज की, और वो एडिशन हमारे पास क्या है जी, के
सॉइल के अंदर अब आपको पता है वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मीन वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई है कहाँ पे, सॉइल में, एज कंपेयर टू रूट में. वाटर विल मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट. अब रूट के अंदर, रूट के अंदर वाटर पोटेंशियल हाई है एज कंपेयर टू स्टेम के अंदर, तो वाटर मूव फ्रॉम रूट टू द स्टेम. स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर अगर हम बात करेंगे स्टेम के ऊपर, तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल यहाँ हमारे पास कम होगा, यहाँ वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, हाई हो गया, तो वाटर मूव फ्रॉम दिस. और इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि वो कॉन्टिन्यूसली आप कह सकते हैं जो हाई हमारे पास वाटर पोटेंशियल होता है वहां से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जो है वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं. ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है. अच्छा जी, ये आगे एग्जाम्पल आ रही है, ठीक है, फ्रीली परमिएबल सेल्स की. ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने खुद इसको अंडरस्टैंड करना है. मैं थोड़ा सा इसका गाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप इसको खुद सॉल्व करिएगा. अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप लोगों ने मुझे बताना है. वो क्या है जी, दो सेल, ठीक है, दिए हुए सेल ए सेल बी. अच्छा, वाटर पोटेंशियल यहाँ पे है -1200 kPa. यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो वाटर पोटेंशियल है जी वो 800 है प्रेशर पोटेंशियल, और सॉल्यूट पोटेंशियल है जी 2000, ये माइनस में है. तो अब देख लें कि सॉल्यूट पोटेंशियल विल ऑलवेज कमिंग इन नेगेटिव. अच्छा, यहाँ देखते हैं, वाटर पोटेंशियल हमारे पास ओवरऑल है -800 kPa, और यहाँ से ये है जी 600 kPa, ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल. और जो हमारे पास जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो यहाँ पे है -14, ठीक है, और इनकी सराउंडिंग में पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है. आप ये बताएंगे विच सेल हैज द हायर वाटर पोटेंशियल. अब इसमें ये याद रखना है, आपको पता है ना कि जितनी भी वैल्यू नेगेटिव में बड़ी होती जाती है वो एक्चुअल में उतनी छोटी है. मसलन मैं कहता हूँ 2000 नेगेटिव और मैं कहूँ 100,000, तो अब इसमें से बड़ी वैल्यू क्या होगी, वो 1000 होगी. 2000 स्मॉलर वैल्यू होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ नेगेटिव. नेगेटिव असल में उसको डिसॉल्व करता जा रहा होता है. खैर, तो यहाँ पे आपने देखना है, खुद सोचना है हमारे पास कि जी विच सेल हैज हायर वाटर पोटेंशियल, ये आपने खुद देखना है. इन विच डायरेक्शन विल वाटर मूव बाई ऑस्मोसिस, ठीक है. अब आपके सामने जो है वो प्रेशर पोटेंशियल भी पड़ा हुआ है, आपके सामने सॉल्यूट पोटेंशियल भी पड़ा हुआ है. आप ये बताएंगे कि वाटर की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, ये आपने खुद देखना है. ए से बी होगी, बी से ए होगी. इसी तरह व्हाट विल बी द वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल्स एट इक्विलिब्रियम. यानी हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, तो उस सूरत में हमारे पास जो वाटर का पोटेंशियल है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो क्या होगा. एंड लास्ट इज व्हाट विल बी द सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल एट, यानी इक्विलिब्रियम जब हम चाहते हैं कि इन दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, तो हमें ये वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा. जब हम वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है, जब वैल्यू चेंज करेंगे तो उस सूरत में वो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी. इक्विलिब्रियम के ऊपर वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो कहता है कि जी वो वैल्यूज क्या है. सही हो गया, ये आपने इसको खुद सॉल्व करना है. और अगर समझ नहीं आती या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो है वो आपने मेरे से डिस्कस करना है. ठीक हो गया,